अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उमर शेख हाजिर खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे आप लोग, आप लोगों को अल्लाह हमेशा ऐसे ही खुश रखे। दर्द व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप देखोगे अल्लाह की कुदरत का एक और करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला बताते आपको, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कुरान पाक में अल्लाह अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, तुम इन्हें फरमा दो कि ये अपनी सारी नमाजों की निगहबानी करें और बीच की नमाज की भी। जी हाँ, हदीसे पाक का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के घर के सामने से कोई नहर गुजरती हो और वो उसमें 5 दफ़ा गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल रहेगा? तो सहाबा इकराम फरमाते कि जी नहीं, उनके जिस्म पे कोई मैल नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह नमाज जो है वो सारी खताओं को मिटा देती है, और जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह अज़्ज़ वज़ल और उसके बीच में जो पर्दे हाइल होते उसे भी हटा दिए जाते हैं, और हूरें उसका इस्तकबाल करती है। जी हाँ दोस्तों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो ये माजरा देखकर शैतान कहता है और रोता है और भागता है और कहता है कि तुझे ए इंसान, तुझे सजदे का हुक्म हुआ और तूने सजदा किया और तुझे जन्नत मिली, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ और मैंने इनकार किया तो मुझे जहन्नम मिली। और जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे मार कर नमाज भेजो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको नमाज का इम्पोर्टेंस ही पता चलेगा, तो इस वीडियो को देख लेते हैं और इसकी तफसीलात फिर आपको बताते हैं। الله اكبر الله خطا الله اكبر الله اكبر يا مكتم بي خلي برونا برونا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر خيرك انت عساك نص سايق قطعتنا خلص الله اكبر بدي تعشنا تقدمنا لا شد الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखी, ये वीडियो तुर्की का है जहां पर एक बाप अपनी बेटी की कब्र को खोलता है 2 साल बाद। जी हां दोस्तों, इस कब्र को 2 साल बाद खोलने के बाद भी उसके बच्ची का जिस्म सही सलामत था। उसकी बच्ची की आंखें ऐसी खुली थी जैसे कि वो अपने बाप से अभी बोल पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, माजरा ये होता है कि इसको दफनाने के बाद, ये बच्ची को दफनाने के बाद ये अपने बाप के ख्वाब में मुसलसल आ रही थी और अपनी कब्र की जगह को तब्दील करने कह रही थी। वो अपने बाप से कहती है कि मेरी इस जगह को तब्दील कर दीजिए क्योंकि मेरे बाजू की कब्र में दर्दनाक आज़ाब हो रहा है। अल्लाह अकबर, बाजू की कब्र में दर्दनाक आज़ाब हो रहा है क्योंकि जो बाजू की कब्र में दफनाया गया मुर्दा था वो बेनमाजी था, बेनमाजी मुर्दा दफन हो चुका था। इसकी वजह से उसके कब्र में आज़ाब हो रहा था और उसकी कब्र में आज़ाब होने की वजह से इस बच्चे को तकलीफ़ हो रही थी। दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि मुझे भी और आपको भी और सारे मुसलमानों को नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बना दे और नमाज़ों की तर्क करने से महफूज कर दे। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारी हौसला अफजाई करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।